गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आपको लेके चल रही हूँ दिल्ली के इस्कॉन मंदिर। तो कालका जी तो हम हो आए थे, आपने देखा था मेरी पहले वाली वीडियो में। अब हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं हम। तो हम पैदल ही जा रहे हैं और काफ़ी मतलब मौसम ठीक है, साइडों में पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो हमने सोचा कि हम पैदल ही चले जाते हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए। तो हम लोग आपको दिखाते हैं वहाँ पे कैसा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो वहाँ पे मिलते हैं आपको। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ही पास में ही है कालका मंदिर से, बिल्कुल पास में ही है इस्कॉन मंदिर भी, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और पार्क की साइड से हम गए थे, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल साइड से ही पार्क है, तो उस पार्क में से आप एंट्री कर सकते हो इस्कॉन मंदिर के लिए। और आप व्यू पीछे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और पारा मैं आपको बता देती हूँ 45 डिग्री हो रहा है, 45-46 डिग्री हो रहा है। और टाइम मैं आपको बताती हूँ कि 1:30 बजे का टाइम है ये। तो सामने आप देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर है, और अभी काफ़ी दूर है और हमें चलना है काफ़ी। तो मतलब हम पहुंच गए थे यहाँ पर 15-20 मिनट में पहुंच गए थे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी तो इसलिए जाने में भी थोड़ा सा टाइम हमें लगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये यहाँ की पार्किंग वगैरह बनी हुई है, तो मंदिर आने वाला है। बस ये देख सकते हैं आप, ये है इस्कॉन मंदिर। तो ऊपर आप फूल देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सबसे पुराना मंदिर है दिल्ली का इस्कॉन मंदिर। और जो अब बन रहे हैं वो काफ़ी नए नए मंदिर बन रहे हैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले हैं, तो ये काफ़ी पहले का मंदिर है। तो कालका जी, लोटस टेम्पल और इस्कॉन मंदिर तीनों ही आपको पास में मिल जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितनी भव्य मूर्तियां हैं, और काफ़ी अच्छी सजावट भी कर रखी है, ये देख सकते हैं आप फूलों से। ये है पूरा राम दरबार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो गाइस, ये मंदिर खुला हुआ था जिस समय हम पहुंचे थे, तो मंदिर हमें खुला हुआ मिला था और हमने परिक्रमा भी लगाई थी। और इतनी शांति यहाँ पर थी, बहुत ज़्यादा शांति, जहाँ पे आप बैठोगे आपको ज्ञान ही मिलेगा। तो ज्ञान का तो भंडार है मंदिर के अंदर। तो सारे लोग मतलब अपना हरे रामा हरे कृष्णा का ही जाप कर रहे थे, और काफ़ी अच्छा ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे कि मतलब भगवान के बारे में सारी कहानियाँ बताई जा रही थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली मूर्ति, आप देखिए बहुत ही अच्छी है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है ये, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी और भव्य मूर्ति है, देख सकते हैं आप। तो ऐसे मतलब इस तरीके की मूर्ति कभी कभी देखने को मिलती हैं। और ये मंदिर जो है ये थोड़ी देर बाद ही खुला था, और उससे पहले के बाकी के मंदिर खुल चुके थे। और ये देखिए यहाँ पर बट रहा है ज्ञान, तो आप भी ज्ञान ले लीजिए, बहुत अच्छा लगा था। और ये है मंदिर के बाहर का दृश्य, तो गर्मी ज़्यादा थी, तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर पिन्नी से कुछ डले हुआ है पर्दा टाइप में। तो मैं आपको भी एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए आप, तो आप ये देख सकते हैं पीले और रेड, मतलब रेड और येलो कलर के बने हुए हैं, तो ये पूरे 108 हैं। और यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्ण बोलते हुए पूरी माला जपी जाती है। तो काफ़ी लोग मतलब जब हम गए थे तब उस समय जप रहे थे, मगर इस समय धूप इतनी तेज़ है कि पत्थर इतने गर्म हो रहे थे, तो कोई सीन नहीं था, मतलब एक ही दो जने आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए ऊपर से ये नीचे का व्यू है, तो कालिया नाग पर कृष्ण जी नृत्य करते हुए, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। मगर क्या मैं आपको बताऊँ, दिल्ली के अंदर धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, 45-46 डिग्री का पारा है ये इस समय, और 2 बजे का टाइम है, आप देख सकते हैं। फिर भी काफ़ी अच्छी सुविधा की हुई है इन लोगों ने, जहाँ पर धूप है वहाँ पे आपने देखा था ग्रीन कलर की कालीन बिछाई हुई है, बहुत ही अच्छा था। तो गाइस, मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ, और बैठने के बाद में काफ़ी अच्छा लगा था। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो मिलते हैं आपको अगली